अच्छे से बोलो, समझ के क्या बोल रहे था समझ रखो। क्या करोगे तुम? नहीं पकड़ दो कर तुम्हारी, यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। औकात क्या है तुम्हारी, पूछने वाले कलेक्टर की घट गई औकात, नप गए साहब। ट्रक ड्राइवर से औकात पूछना पड़ गया कलेक्टर साहब को, भारी गई कुर्सी। एक वायरल वीडियो ने हिला दिया सोशल मीडिया और पूरा सिस्टम। बैकफुट पर आकर सरकार को करना पड़ गया डैमेज कंट्रोल। नए हिट एंड रन एक्ट को लेकर वाहन चालकों के आंदोलन के बीच एक वायरल वीडियो क्लिप के इन शब्दों ने कि औकात क्या है तुम्हारी न सिर्फ सोशल मीडिया को बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कलेक्टर साहब के औकात क्या है तुम्हारी जैसे शब्द के बाद ट्रक ड्राइवर का जवाब कि यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है, कि वीडियो ने सबको झकझोर दिया। आनन फानन में हरकत में आई मध्य प्रदेश सरकार ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया और शाजापुर जिला कलेक्टर किशोर कांडियाल को उनके पद से हटा दिया। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकती। किशोर कान्याल को शाजापुर कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है। रिजू वापना को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल मंगलवार को ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान डीएम किशोर कान्याल अपना आपा खो बैठे। एक वायरल वीडियो में जिला कलेक्टर चालकों और अन्य लोगों से बात कर रहे थे, तभी चालकों के एक प्रतिनिधि ने उनसे अच्छे से बात करने के लिए कहा। इस पर किशोर कान्याल को गुस्सा आ गया और कहा कि क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। इस पर चालक ने जवाब में कहा कि यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है साहब। कलेक्टर कुर्सी पर बैठे साहब शायद यह भूल गए कि ये वही जनता है जिनके टैक्स के पैसों से उनकी सैलरी और गाड़ी बंगला मिलता है। ये जनता ही इन सब की मालिक होती है और वह नौकर है। हालांकि घटना के बाद किशोर कान्याल ने सफाई भी दी, एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि लगभग 250 ट्रक और बसों के चालकों की बैठक बुलाई गई थी जिनमें से कई ने हंगामा किया। उनमें से एक चालक दूसरे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था और आंदोलन को तेज करने की धमकी दे रहा था, जिसके कारण मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। इस खबर में इतना ही। ऐसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।